बात आती मैं ट्रेनिंग का कहीं पढ़ रहा था आपकी कि ट्रेनिंग के समय आईपीएस क्यों आप मतलब किसी देश की एक बड़ी शख्सियत से मिलने पहुंचे थे आपके मन में एक डिलेमा था धर्म संकट था हमारे मतलब ऑडियंस दर, दर्शक जानना चाहेंगे क्या था ये आ, जी मैं अपनी प्रिपरेशन यानी कि संघर्ष के, के यानी कि जो तैयारी के दिन थे उस तैयारी के दिनों के दौरान मैं आदरणीय किरण बेदी मैडम जी से मिला और मैम से जी तो मैं मैम से मिला और मैम को मैंने बोला कि मतलब उनको पूरा अपने बारे में बताया मैम छत्तीसगढ़ से मैं ग्रामीण परिवेश से आया हूँ मैं यहाँ पर और आ, मैं पुलिस सेवा के लिए प्रिपरेशन करना चाहता हूँ तो मैम बहुत खुश हुई लेकिन मैंने उनको बोला कि मैम मेरा कोई पारिवारिक बैकग्राउंड पुलिस का नहीं है और चूंकि ग्रामीण क्षेत्र से हैं और पुलिस से बहुत कम नाता पड़ता है गांव के किसानों का तो मैम ने देखा और मैम ने देखा और मुझे बोला कि ये बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए तो उन्होंने मेरे को समझाया कि कि एक किसी सूत्र, एक सूत्र दिया था यस। क्या था क्या उन्होंने मुझे बोला पटेल जी ने इसलिए आईपीएस बने एक मतलब मुझे मतलब सब लोग सुनेंगे तो हालांकि थोड़ा सा हो सकता है कि ताजुब करेंगे आपको डर भी लगता था कोई आपने फिल्म देखी और उसके बाद आप डरने लगे क्या बहुत सी फिल्म थी किस कलाकार ने आपको डराया बचपन के दिनों में जब संघर्ष मूवी आई थी संघर्ष आशुतोष राणा उनकी जो एक, एक्टिंग रहती थी संघर्ष मूवी में जिस तरीके से करते थे तो वो काफी क्याते, डरावनी कैसे कर, करते थे <laughs>

लेकिन बाद में जब मैं उनके बारे में जाना और जब मैं तैयारी कर रहा था तो जब मैं आई के रूप में बनना चाहता था तो मैम ने मुझे कहा कि देखो बोले जैसे कोई मूवी में कोई रोल करता है कोई विलन का रोल करता है कोई हीरो का रोल करता है दैट इज रोल लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में आने के बाद में एक पर्सन होता है तो वैसे ही तुम एज ए आई तुम एक रोल करने जा रहे हो और तुम अपने घर में आने के बाद में तुम जैसे हो वैसे ही रहना है यहां पर अगर पुलिसिंग तुम अपने घर में लाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी पुलिस तुम्हारी फैमिली बिल्कुल प्रॉब्लम में आ जाएगी इतनी खूबसूरत बात है जो किरण विधि ने तो उन्होंने मुझे बोला कि अपनी प्रोफेशनलिज्म एंड पर्सनलिज्म अपने व्यक्तिगत जीवन और प्रोफेशन को जितना डिस्टेंस में रखोगे तुम जिंदगी को जियोगे उतना अच्छा से तुम सर्विस को भी अच्छा से तुम जस्टिस कर पाओगे